अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर प्रैंक। तो गाइज आज हम करने वाले हैं हीना के साथ प्रैंक, जिसमें साथ देगा साथ पांच में साथ देगा साथ। तो आज हम क्या करने वाले हैं बताओ? प्रैंक। वो तो पता है कौन सा प्रैंक करेंगे, इनको नहीं पता, मैं बताता हूँ। आज हम करेंगे इरिटेटिंग प्रैंक, यानी हीना को गुस्सा दिलाएंगे। ओके। और ये प्रैंक पूरा दिन चलेगा आज, तो मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले What is this? वीडियो का एंड तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर आज का प्रैंक। ठीक है, क्या कर रही हो? सारा दिन मोबाइल ही चलाते रहे ना बस। अभी खाना बनाने के आई हूं। और कोई काम नहीं है मोबाइल चलाने के अलावा? अच्छा अच्छा, खाना और सोना दो ही काम है बस तुम्हें? अच्छा, फोन चलाना और दूसरा सोना। कोई बात नहीं, आराम से फोन चलाइए आप। तो गाइज अब ये किचन में कोई काम करने आई है, तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ अपना प्रैंक। प्याज है ना, ज्यादा गलाएंगे, प्याज ना कच्चे कच्चे दिख रहे हैं। क्या हो गया? देखना प्याज ना लाल नहीं करते, मुझे लगा जल रही है, मैंने ऐसे कर दिया होगा इसको। अरे सही है यार, तुम तो अच्छे बनाती हो खाना। पता नहीं इससे होगा भी नहीं, बादशाह इतनी छोटी बोतल लेकर आया। अंदर तो इतना प्रेशर बन नहीं रहा, प्रेशर तो इतना बन भी नहीं रहा है, काम नहीं करेगा। नहीं पता ना भाई, अरे यार ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुल रहा था, तुमसे नहीं खुल रहा, जान नहीं है क्या? अरे लाओ, तुम्हारे बस दुनिया में बोलता हूँ, मैं खोल तो रही हूँ ना। अरे मैं खोल तो रही हूँ। अरे मैं खोल रहा हूँ, दिखाओ क्या कर क्या, ये क्या है, तू कुछ लगा हुआ है क्या? Oh no! ये क्या हो गया? क्या चुरन बंदी कर रही है? क्या चुरन बंदी कर रही है? क्या यार? उस दिन वाले तुमने उस दिन पानी डाला, आज तुमने ये कर दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो खोल रहा था। ये तुम्हें हाथ लगाना जरूरी था इस पे, बोतल खोलनी नहीं आती तुमसे। अब मैं फिर ना, कोई बात नहीं, इतने सालों से ना ही रहा ना हो गए, तमाम गंदी कर दी, यहां पे चींटियां वैसी आ जाएंगी। मैं ये नहीं करूंगी तुमसे, मतलब एक बोतल का खुलवाया तुमने, क्या करा है ये, क्यों करा है? लेकिन मैंने करा है तुमने, मतलब मैं तुमसे एक बोतल खुलवाने के लिए आया था, ड्रामे करके बैठ गई, तुम अपने ऊपर ही गिरा लो। क्या हो यार तू, सफाई करो, मैं आगे तमाम चींटी आ जाएंगी यहाँ पे। आज के बाद मत करना मेरे साथ ऐसा, तुम्हारा हमेशा का यही हो गया, गुस्सा आ रहा है मुझे, देख तो लो मुझे। क्या है यार, तेज चल रहे हो क्या? हेलो हेलो, सारी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी यार मेरी। ओह नो, क्या चिपचिप हो गई यार, तेज चल रही हो एक तो, मतलब गलती ऊपर से तेज, सारी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी यार मेरी। 5 रुपए की मंगवाई थी, 15 रुपए की मंगवाई थी, 20 रुपए की है। चलोगी तेज? बताओ अभी। पानी बदल दवाई इसने, सारी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी यार। क्या देख क्या रही हो, देख क्या रही हो, देख क्या रही हो? अच्छा होता गिरते, फिर अगर तुम ड्रामा करे ना मेरे। तो गाइस इनको मेहनत पड़ गई है, बेचारे को धोना पड़ रहा है। देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगी। कोई बात नहीं यार, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, ऐसी गलती तुम्हारी है। कोल्ड ड्रिंक खोलने के लिए बोला, तुमने अपने ऊपर ही गिरा ली। मैंने अपने ऊपर गिराई है यार, तुमने हाथ कर दिया, तुम्हें पता है मुझे ये सब चीजें
पसंद नहीं है। फिर बाद में कभी कभी काम भी कर लिया करो। हाँ रोशनी तुम ही करते हो ना, जैसे और गुस्सा मत दिलाओ, मुझे समझ में आ गई। अरे काम करो कभी बताओ भी। तो गाइस इससे तो वो इतना इरिटेट हुई नहीं है, तो मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। आज मैं उनको पूरी तरह से इरिटेट करने वाला हूँ, तो इससे इतना फर्क तो पड़ा नहीं है, बाकी कुछ और ट्राई करता हूँ मैं। तो देख क्या कर रही हो, मेरे बाल कितने कम हो गए। कोई बात नहीं। तो गाइस अब मैं कुछ और ट्राई करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा पाउडर है और हीना वहाँ पे ब्रश कर रहे हैं, तो चलते हैं। अरे फेस पे क्या लग रहा है तुम्हारे, फेस पे कुछ लग रहा है तुम्हारे, देखो साफ करो ना। क्या लगा के घूम रही हो यार, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, बच्चों वाली हरकतें कर रही हो, इतना मेकअप कौन करता है। ले यार ये मतलब खुद मेकअप कर रखा है, खुद ने मेकअप कर रखा है, मेरे से बोल रही है, इतना मेकअप कौन करता है यार, क्या यार हद है मतलब। oh, no. लाओ मैं छुटा तो लाओ यार, मतलब बच्चों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। यार क्या बना दिया मुझे तुम, जब तुमने कॉलिंग डाली मैंने कुछ नहीं कहा, अब की बार कुछ करा ना तुम्हारे, सही में बता रहा हूं अच्छा नहीं होगा अब की बार। मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो तुम्हारे फेस पे कुछ लग रहा था, मैंने देखा मेकअप कल ही धोया था मैंने। कोई बात नहीं यार जाओ नहा के आओ, हां बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। गाइस ये थोड़ा सा अच्छा था, मैंने उनको भूत बना दिया है, काफ़ी गुस्सा हो गई है वैसे तो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक चीज़ मैं और ट्राई करूँगा जो कि उन्होंने मेरे साथ किया था। कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे सर पे सरप्राइज़ दिया था, अंडा फोड़ा था, अब मैं सेम चीज़ उन्हीं के साथ करूँगा, देखते हैं इस बार उनका क्या रिएक्शन रहेगा। वैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है हीना भी, वो अभी तक अपना मुँह ही धो रही हैं, काफ़ी गुस्से में है, तो पता नहीं ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि दो चीज़ें मैंने उनके साथ कर दी है अब तक। पहली बार में तो इतना गुस्सा नहीं आया था, लेकिन इस बार काफ़ी नाराज़ है, तो एक लास्ट चीज़ और करते हैं। तो अब आपको कैसा लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे कैसा लग रहा होगा? अब तो आपको रिफ्रेशिंग लग रहा होगा नहा धो के। नहा तो लियो, लेकिन तुमने सही नहीं करा, मैं नहाती नहीं, पहले मैं ऑयल लगाती अपने सर में, उसके बाद नहाती। कोई बात नहीं, देखो अब ना ही तुम कोई प्रैंक करना ना ही मैं करूंगा, हिसाब बराबर हो चुका है। प्रैंक तो मैं करूंगी, तुमने जो करा मेरे साथ में उससे भी ज्यादा करूंगी, रुलाऊंगी तुम्हें। अच्छा तो हो गया, देख लो, मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि सब थे घर में, ये तो तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाती बहुत ही अच्छी वाली। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो अब जो भी हुआ उसको खत्म करो, अब कोई प्रैंक कोई भी नहीं करेगा। करेंगे, करोगे तुम अभी भी? चलो फिर देख लेंगे, देख लेंगे। आइडिया लगा रहे हो, वही सर्च कर रही हूँ, आइडिया लगा रही हूँ। ओहो नेट पे सर्च कर रही हो, क्या करना है? कोई बात नहीं, कितना भी सर्च करना है कर लो, देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं देखना, अब बताऊंगी। तो गाइस मैं अब अपना तीसरा प्रैंक करने वाला हूँ, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। जिंदगी भर खाने वाले व्लॉग देखना बस। अरे नहीं वो केएफसी में नॉनवेज भी होता है और वेज भी होता है, मेरे को तो नॉनवेज ही सुना है, मैंने वेज तो सुना ही नहीं। अच्छा ये देखो, ये कह रही थी मैं, जो हमारे गांव में होते ना, जो मैं उस टाइम में लेके आई थी मुरमुरे, वो देखो ऐसे बनते हैं।
दे हमारे गांव में चावल के तोते। ये क्या है लेकिन मुझे पता नहीं है ये क्या है। ये पोटी लग रही पोटी है। ये भी चावल ही है। चावल है ये तुम्हारी इतना देख लेंगे। मैं मना कर रहा था, मैं क्या देखो जो भी हुआ खत्म करो खत्म करो। तुमने क्या बोला देख लेंगे। तुम्हारा हाथ गंदा करा था, धोना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं मैं भी नहा के आई थी। नहा के आई तुम लग तो नहीं गई ना है। एक अंडा पड़ा था फ्रिज में, मैंने सोचा लाओ इसका कुछ यूज कर लेते हैं, बाकी तो अंडे तुमने बना लिए। ये तो लोगों ने देख लिया था ना यार। क्या देख लिया था, कोई बात नहीं मेरा देखा था ना, आपका तो नहीं देखा था। इतनी गंदी स्मेल आ रही है यार, जाओ जल्दी जाओ ना। क्या जल्दी मैंने बोला था ना मेरे पे मत करना दोबारा कोई प्रैंक व्रैंक। मैंने भी तो बोला था, मैंने तुम ना तुम करना ना मैं करूंगा। और चलो अंडे तो फोड़ो फोड़ो, तुमने इतने तेज में मारा कैसे? तुम्हारे अंडे से ज्यादा तो मेरे इतने तेज सर में लगी है। मेरे भी ऐसे लगा था, लग रहा किसी ने ईंट मार दी सर पे। इसको कहते हैं परफेक्ट अंडा फोड़ो प्रैंक। देखो बिल्कुल फर्क पे रखा हुआ है सारा अंडा। सर पे अंडा लेके कौन घूमता है भाई, अंडा लेके कौन घूमता है। मैं ऐसी बैठूंगी, मैं नहीं जा रही नहाने के लिए। ऐसी चल तो बदबू मार रही है बड़ी खतरनाक, देख लो दीवार भी गंदी कर दी। अगर तुम्हारा कर ना तो मैं देख लेना, अच्छा नहीं होगा। तुमने बोला था देख लेंगे देख लेंगे, देख लो अब। हाथ में से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। मैं आऊं ना, मैं यहाँ पे आऊं ना तो मुझे ये सारी चीजें साफ चाहिए। मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं करूंगी, समझ में आ गई? ये प्रैंक हमने किया है और आप दोबारा हमारे साथ कोई प्रैंक नहीं कर सकते। पहले आप इसको साफ करिए। तुम देखना मैं क्या क्या करती हूँ, तुम देखना। पहले आप इसको साफ करें, उसके बाद आप मैं नहीं करूंगी साफ। आपके अंदर से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। तो गाइस तुमने मारा क्यों, मेरे बड़े तेज सर में दर्द हो रहा है। तुमने मारा, चलो अंडा फोड़ो तो फोड़ो, तुमने मारा क्यों उतनी तेज? मैंने कहा मारा, ऐसे यूं करके इतनी तेज मारा है तो अंडा जभी तो फूटा। वो यूं करके ऐसे अंडा थोड़ी ना फूटा, अंडा बहुत नाजुक होता है। तुमने मुझे कितनी गंदी तरीके से ऐसे मारा, ऐसे धप करके इतनी तेज मारा मैंने, इससे भी तेज मारा है। फाइनल हो तो है यहाँ पे गाइस, ठीक है ना? लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं फिर भी। अरे देख लेंगे देख लेंगे। तो करी ना ये साफ करो फिर। मैं क्यों करूं भाई, जल्दी करो। देखो प्रैंक में तुम भी हिस्सा लाओ। मैं नहीं, तो आपको पूरा फर्ज बनता है अब इसको साफ करो भाई। प्रैंक तो आपने करा, खुद करो, मैं क्यों करूं? आपको भी थोड़ा सा हक बनता है, जैसे आपने केक साफ किया था ऐसे आप ये अंडा भी साफ करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में हो सकता है इना भी कोई प्रैंक करे मेरे साथ, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए तैयार रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में या फिर नेक्स्ट प्रैंक में, देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए बाय। शैम्पू ला दो, मेरा शैम्पू एक भी नहीं है, सारे शैम्पू खत्म हो गए।
तो गाइज मैं जा रहा हूँ अभी शैम्पू लेने के लिए, तब तक के लिए बाय।